इन बाबा को मनाना चाहते हैं और इसी तरह बना झाला बनकर एक मोटे उसको भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों कि राजस्थान के अंदर कोई भी हमारा व्यक्ति ऐसा आएगा व्यापारी आएगा उद्योगपति आएगा तो कोई अच्छा काम राजस्थान के अंदर करना चाहता है हम कहते हैं उसको सुविधा मिलेंगे और वो जिस तरह से आएंगे उनके जो उत्तर होंगे हमारे उत्तर के आधार पर उसे काम करने का मौका मिलेगा। आज मैं पुणे अपना एक संदेश सभी एनजीओ में बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप आए हैं हम आप रहने का हुआ हमारा आगे कोई बजट आया हमने हर क्षेत्र का ध्यान रखते हुए हमने हर क्षेत्र को भी ध्यान रखा है कि उन्होंने कहा हमारा पर्यटन बढ़ सकता है उद्योग बढ़ सकता है कृषि का क्षेत्र हमारे युवा महिला मजदूर किसान उनको काम रोजगार के अवसर मिल सकते हैं इसे लेकर के भी हम चले हैं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम अपने नागरिक होने के कर्तव्य का भी पूरा करना चाहेंगे और नागरिक होने के कर्तव्य को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा हमारे अंदर एक सोच पॉजिटिव होगी अच्छी सोच के साथ हम चलेंगे तो ऐसे लोगों को एक संदेश दिया जाएगा हमारे लोगों को संदेश देने का भी काम हमें करना है। और मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से क्या हमारे राष्ट्र को अगर विकसित करना चाहते हैं तो हमें नागरिक होने के कर्तव्य को पूरा करते हुए आम जन को सुविधा देने का काम करें हमारी इस तरह की सेवाओं को बढ़ाने का काम करें क्योंकि आम जन में अभी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे केंद्र की और राज्य सरकार की योजना है बहुत सारी योजना है जो हम तक पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उन योजनाओं का उसको लाभ मिले और उन योजनाओं से लाभ लेकर के उस व्यक्ति को हम आगे लेकर के आए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आंदोलन जो अंत में पंच में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे आगे लाना है इस पर भी हम जानते हैं। और अभी हमने आपने देखा राजस्थान बड़ा क्षेत्र लेकिन बहुत बड़े रेगिस्तान का क्षेत्र है। अभी अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि एक देश मां के नाम आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं क्योंकि हम सामाजिक सरोकार के कारण भी हम करते हैं। आपने देखा होगा देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बने थे आपको पहले दिल्ली की तो मजबूती से खड़ा होना होगा और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे हर दिन कुछ नया सीखने को भी हमको मिलेगा। दुनिया में कैसा क्षेत्र है सिर्फ सटीकता से धैर्यता के साथ सुगमता के साथ टीमवर्क के साथ एक अच्छा काम करना होता है और जब ये काम हम करते हैं तो आने वाली युवा पीढ़ी को उसका लाभ मिलता है। युवा पीढ़ी देखती है कि मेरे सपनों का राजस्थान कैसा हो मेरे सपनों का भारत कैसा हो और उनकी उड़ान के साथ साथ उनके हौसले की उड़ान भी होती है। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत ही सुखद और सुगम की अनुभूति हमारे राजस्थान को दिलाएगा। यही नहीं एक विमान चालक के सदस्य के रूप में आप यात्रियों की जिंदगी के लिए भी जिम्मेदार होते हैं तब एक ऐसा काम होता है जिसकी कुशलता हमेशा काम आती है और उस कुशलता के साथ हम काम करते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो इसके लिए आप अपना एक रोल मॉडल भी होंगे। इसलिए अपने आचरण लगा और अपनी कार्यशैली कुशलता के कारण हमें अच्छे फायदे की नाम से दे पाएंगे तो देश में दुनिया के अंदर एक और अपना अमल दिखाने का काम मौका बनाए। विमान केवल साधन नहीं बल्कि एक विकास का इंजन भी है। हम ये मानते हैं कि विमान केवल साधन है हमें यात्रा करने का है लेकिन एक विकास का इंजन भी है। ये भारत देश को दुनिया से जोड़ने का काम भी करेगा
हर तरह से